आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है द लिटिल गर्ल। ये जो स्टोरी है ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की की है जिसका नाम है केजिया। केजिया अपने पापा से बहुत डरती है, जैसे आप सब लोग अपने पापा मम्मी से डरते हैं और खास करके पापा से ज़्यादा डरते हैं, इसी तरीके से केजिया भी अपने पापा से बहुत डरती थी। लेकिन हर रोज़ ऑफिस जाने से पहले उसके पापा हमेशा उसको एक गुड बाय किस करने उसके रूम में जाते थे और केजिया बदले में सिर्फ इतना ही कहती थी, गुड बाय पापा। और जैसे ही उसके पापा की गाड़ी ऑफिस की ओर जाती थी वैसे वैसे केजिया को एक रिलीफ मिलता था कि अब उसके पापा घर पे नहीं है। और शाम को जब उसके पापा घर आते तो बस आते ही बोलने लगते, मेरे लिए चाय लेके आओ, मेरा अखबार कहाँ है, मेरे जूतों को कोई रैक में रखो। और फिर शाम को केजिया अपने पापा के लिए चाय लेके आती है और देखती है उसके पापा अखबार पढ़ रहे होते हैं, अपना चश्मा अपनी ऐसे नाक पे रख के और अपनी आंखें ऐसे उठा के उससे पूछते हैं, और तुम्हारा दिन कैसा रहा। और केजिया घबरा के बस इतना ही जवाब दे पाती थी, मेरा दिन ठीक रहा। केजिया अपने पापा के सामने हकलाती थी क्योंकि अपने पापा से उसको बहुत डर लगता था और डर के मारे उसके शब्द ही नहीं निकल पाते थे। वैसे केजिया हर किसी से बहुत नॉर्मल बात करती थी, सबसे बात करते हुए वो बिल्कुल भी हकलाती नहीं थी। उसको हकलाता सुन उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है और उसकी मम्मी की तरफ देखते हुए वो बोलते हैं कि ये मेरे से हमेशा ऐसे बात क्यों करती है हकलाते हुए, और इसका चेहरा हमेशा ऐसा उतरा हुआ सा क्यों रहता है, और वो उसे गुस्से से उसके रूम में भेज देते हैं। केजिया अपने पापा से बहुत डरती थी लेकिन वो अपनी दादी के बहुत करीब थी, जितना करीब वो अपने मम्मी पापा के भी नहीं थी। एक दिन संडे आफ्टरनून को उसकी दादी ने कहा कि तुम हॉल में जाओ, मम्मी पापा से बात करो। केजिया हॉल की तरफ जाती है और देखती है कि मम्मी कुछ पढ़ रही हैं और पापा हमेशा की तरह सोफे पे लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, और सोते हुए उन्होंने अपना हैंकी अपना रुमाल अपने चेहरे पे डाला हुआ है और उनके पैर सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कुशन के ऊपर रखे हुए हैं। वो साइड में रखे एक स्टूल पे बैठ जाती है और सोचती है जब पापा उठेंगे तब वो उनसे कुछ बातें करेगी। और जैसे ही शाम को उसके पापा उठते हैं, उठते ही बस वो टाइम पूछते हैं क्या टाइम हुआ है, और केजिया की तरफ देख के बोलते हैं तुम क्या मुझे उल्लू की तरह घूर घूर के देखती रहती हो हमेशा। केजिया के लिए ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि हर संडे उनकी ऐसी ही बातें होती थी। एक बार बाहर बहुत सर्दी पड़ रही होती है और केजिया अपने घर में ही होती है तो उसकी दादी उसको बिजी रखने के लिए कुछ सजेस्ट करती है और कहती है तुम्हारे पापा का बर्थडे आने वाला है, क्यों ना तुम अपने पापा के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट बनाओ। तो केजिया सोचती है मैं क्या बनाऊं, तो उसकी दादी कहती है कि तुम अपने येलो सिल्क क्लोथ से उनके लिए एक पिन कुशन बनाओ। केजिया बहुत खुश होती है और सबसे पहले जाकर के अपना एक येलो सिल्क का कपड़ा लाती है और उसे तीन तरफ से सिल देती है और चौथी तरफ वो खुली छोड़ती है क्योंकि उसे उसके अंदर कुछ भरना होता है जिससे कि वो पिन कुशन बन जाए। एक बार उसकी दादी घर पे नहीं होती है तो वो पूरे घर में ढूंढती है कि मैं इस कुशन के अंदर क्या भरूं। ढूंढते ढूंढते वो मम्मी पापा के कमरे की तरफ चली जाती है और देखती है कुछ पेपर्स टेबल पे रखे हैं। बस फिर क्या था, वो उन पेपर्स को उठाती है, उन्हें फाड़ती है, छोटे छोटे टुकड़े करती है और अपने कुशन में भर देती है। पर उसी शाम उनके घर से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं, मेरे पेपर कहाँ चले गए, मैंने अपने पेपर्स यहीं रखे थे। वो सुनती है कि उसके पापा नीचे बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं और कुछ पेपर्स के बारे में पूछ रहे हैं। वो घर में सबसे पूछते हैं, सारे नौकरों से पूछते हैं कि क्या तुमने कहीं मेरे पेपर्स देखे, सब मना कर देते हैं।
पूछते पूछते केजिया की माँ केजिया के कमरे में आती है और केजिया से पूछती है, क्या तुमने पापा के कहीं पेपर देखे हैं? केजिया अपनी माँ से झूठ नहीं बोलती और कहती है कि हाँ, वो पेपर उसने ही लिए थे और फाड़ करके कुशन में भर दिए। ये सुन के केजिया की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको नीचे लेके आती है कि तुम नीचे आओ। उसके पापा के पास ले जाती है और जैसे ही उसके पापा ये सुनते हैं कि केजिया ने वो पेपर्स फाड़ दिए, उनको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो पेपर्स कोई ऐसे वैसे मामूली पेपर्स नहीं थे, वो उसके पापा की एक स्पीच थी जो उन्हें अगले दिन बोलनी थी। वो स्पीच पोर्ट अथॉरिटी के बारे में थी। गुस्से से उसके पापा उसे उसके कमरे में भेज देते हैं और थोड़ी देर में केजिया क्या देखती है कि उसके पापा उसके कमरे में एक बड़ा सा स्केल लेकर के आते हैं और उसके हाथों पे मारना शुरू कर देते हैं। मार खाते वक्त केजिया बहुत दुखी होती है और अपने पापा के बारे में बहुत बुरा सोचती है और अल्टीमेटली भगवान से कहती है कि हे भगवान, यदि पापा ने इतना मारना ही होता है तो आपने पापा बनाए क्यों? केजिया बहुत दुखी होती है और अपनी दादी के पास जाती है। उसकी दादी उसे बहुत समझाती है, उसे कंसोल करती है और कहती है, चलो कोई बात नहीं, अभी तुम सो जाओ, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। केजिया के घर के पड़ोस में एक और फैमिली रहती थी। वो फैमिली थी मिस्टर मैकडॉनल्ड्स की। मिस्टर मैकडॉनल्ड्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, उनसे बहुत बातें करते थे, उनके साथ खेलते थे। ये सब देख कर के केजिया सोचती है कि सारे पापा एक जैसे नहीं होते। मिस्टर मैकडॉनल्ड्स तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उनसे बहुत बातें करते हैं, उनके संग खेलते हैं, उनके संग हंसते हैं। और ये सब देख कर केजिया इसी कंक्लूजन पे पहुंचती है कि सारे पापा एक जैसे नहीं होते। और फिर एक दिन केजिया की मम्मी बहुत बीमार हो जाती हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और केजिया की मम्मी की देखभाल के लिए दादी भी हॉस्पिटल में चली जाती है। केजिया अपने घर में अकेली होती है। दिन के समय वो अपने कुक एलिस के साथ घर में होती है। एक रात खाना खाने के बाद केजिया जब अपने कमरे में सोने जाती है तो रात को उसको एक बहुत ही भयानक सपना आता है। उसे सपने में आता है कि एक बुचर मतलब एक कसाई बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ आ रहा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ है और एक बड़ी सी रस्सी और वो ऐसे अजीब से तरीके से उसकी तरफ देख रहा है मुस्कुराता हुआ और वो डर के मारे हिल भी नहीं पाती है, कुछ बोल भी नहीं पाती है, बस कांप सी रही है और एकदम से उठ के बैठती है। जैसे ही उठ के बैठती है वो देखती है कि उसके पापा हाथ में कैंडल लिए उसके सामने खड़े हैं और पूछते हैं, केजिया क्या हुआ? उसको डरता हुआ देख करके उसके पापा उसको हक करते हैं, उसे प्यार करते हैं और अपने साथ अपने कमरे में सुलाने के लिए ले जाते हैं। ये देख करके तो केजिया हैरान हो जाती है और सोचती है कि वो अपने पापा के बारे में तो बिल्कुल गलत सोचती थी। उसके पापा का भी दिल बहुत बड़ा है और उसके पापा भी उसको बहुत प्यार करते हैं। आई होप आपको ये कहानी अच्छे से समझ आई होगी और अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स आराम से कर लेंगे।